कल के वीडियो में आपके पास ये वाला क्वेश्चन हो चुका था। इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने आपको घर पे होमवर्क बोला था, जैसा इसका समझा के दिया था सेम वैसे इसका भी आपको लिखना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझा रही हूँ। इसकी रफ स्केच ये देखो यहाँ पे निकाल लिए बेटा मैंने रफ स्केच। अभी आपको रफ स्केच में जो दिया है सेम वैसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अभी देखिए जी बेटा, यहाँ पर आपको पी एल आपके पास क्या नाम दिया है क्वाड्रिलेटर का, आपके पास कोऑर्डिनेटर का नाम क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेटर पी एल ए एन। आपके पास पी एल का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, पी पे 90 दिखा है, पर एल पे आपके पास कुछ भी नहीं है। पर आपके पास यहाँ पे एल पे नहीं है सिर्फ 90, तो इसके हिसाब से अपन यहाँ पे कैसा सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास अगर ये लाइन अपन ने ड्रॉ करी तो यहाँ का डिस्टेंस भी नहीं है, तो फिर अपन आगे कैसा जाएंगे। मैडम आपने कैसी रफ स्केच निकाली, तो देखो ये रफ स्केच निकाली है मैंने 75, इसको सॉल्व करके निकाला है बेटा, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको पी एल अगर आपने ये डिस्टेंस लिया तो आपको यहाँ का डिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो आपके पास लेकिन तीन एंगल दिए हुए हैं। जब भी आपके पास तीन एंगल दिए हुए रहेंगे तब आपको 360 में से तीनों को माइनस करके आपको फोर्थ वाला एंगल फाइंड करना है। मैडम यहाँ पे भी तो आपको तीन एंगल दिए थे, फिर यहाँ पे क्यों नहीं किए। देखो बेटा यहाँ पे आपको दो एंगल है उसके बीच का डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे भी दो एंगल है उसके बीच का डिस्टेंस दिया है, फिर आपके पास ये एंगल की और ये एंगल की लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये एंगल दिया है लेकिन यहाँ का डिस्टेंस दिया है क्या, नहीं। तब यहाँ का निकाल सकेंगे क्या अपन, नहीं। तो फिर यहाँ पे आपको ये दो डिस्टेंस अपने को यहाँ का डिस्टेंस दिया है एंगल दिया बट ये तो दिया नहीं है, फिर यहाँ का एंगल कितने का निकालेंगे अपन। डिस्टेंस दिया है पर एंगल ही नहीं है, तो आपके पास सॉल्व कैसा करेंगे। इसके लिए कभी भी आपको जब भी थ्री एंगल्स देंगे और आपको सॉल्व करने में दिक्कत जा रही है तब आपको उसका फोर्थ वाला एंगल निकालना पड़ेगा पहले, फिर उसको आगे सॉल्व करना है। या फिर आपको जब भी तीन एंगल्स दिए हुएंगे तो फोर्थ वाला निकाल ही लेना है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल पी प्लस एंगल एल प्लस एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 360। क्या लिखेंगे अपन, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या, या फिर सम ऑफ क्वाड्रिलेटर। यहाँ पे लिख सकेंगे अपन सम ऑफ क्वाड्रिलेटर, सम ऑफ क्वाड्रिलेटर यहाँ पे लिख दिया बेटा सम ऑफ क्वाड्रिलेटर। पी कितना है आपके पास, 90 डिग्री है। एल कितना है पता नहीं। ए कितना दिए हुआ, 110 प्लस यहाँ पे दिए हुआ है 85 इज इक्वल टू 360। तो एंगल एल ई प्लस कितना जाएगा, 8 यहाँ पे 5 8 और एक 9 दुनिया 18 के 8 का एक और 285 इज इक्वल टू 360 एंड एंगल एल इज इक्वल टू 360 माइनस 285। तो एंगल एल इज इक्वल टू कितना जाएगा 5, यहाँ बच्चा आपके पास 5 यानी 15 में से आपके पास 8 गया तो बच्चा 75 डिग्री, यानी एल कितना फाइंड हुआ आपके पास 75 डिग्री। तो यहाँ पे अपन ने 75 डिग्री लेके उसका काम किया, यानी आपके पास दो एंगल और डिस्टेंस, यहाँ पे भी दो एंगल और डिस्टेंस ये रहेगा तभी अपन आगे जा पाएंगे। मैडम इधर से क्यों नहीं, इधर का तो डिस्टेंस ही नहीं है आपके पास और डिस्टेंस तो अपन नहीं निकाल सकते, लेकिन आपके पास एंगल अगर तीन दिए हुए तो चौथा एंगल अपन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास है सम ऑफ क्वाड्रिलेटर, क्योंकि 360 रहती है, ये आपके पास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी पर से आप फोर्थ एंगल सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको स्केच करना बताऊँगा। आपके पास सबसे पहले क्या लेना है, 4 सेंटीमीटर का आपको डिस्टेंस लेना है, फोर सेंटीमीटर का आपने डिस्टेंस ले लिए, इसको नाम दे दिए पी एल। फिर आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री, आपको 90 डिग्री करने के लिए प्रोटेक्टर का यूज़ करना है तो डायरेक्ट उससे भी कर सकते हैं, चॉप से आपको करना है 90 डिग्री तो आप चॉप से भी फाइंड कर सकते हैं। ये सेमी सर्कल बना बेटा आपके पास, ये पॉइंट रख के आपके पास सेमी सर्कल बना, तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट रखना है और यहाँ पर आर्क, सॉरी है बेटा, यहाँ पे आपको ऐसा आर्क लेना है, फिर यहाँ पे पॉइंट रख के यहाँ पे आर्क लेना है और इसका डिस्टेंस बढ़ाते हुए आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट करना है पॉइंट को और फिर ये लाइन को आपको
ज्वाइन करना है, 90 डिग्री की लाइन को आपको ज्वाइन करना है। ये 90 डिग्री की लाइन जो है आपको थोड़ी एक्सटेंड करना है। मैडम ऐसा क्यों? आपका आगे में यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कुछ आएगा ना, तो यहाँ पे आपके पास रे को नाम दे दीजिए वाई। मैडम वाई क्यों, एक्स क्यों नहीं? क्योंकि पहले ये फाइंड करना पड़ता है, इसको एक्स देना, क्योंकि पहले ये फाइंड होगा बेटा, क्योंकि अपने 75 निकाला है। अब 75 आप प्रोटेक्टर से निकालो या चॉप से, आपको जो पसंद है वैसा करो। आपको चॉप से निकालना है तो मैं चॉप से भी बता देती हूँ बेटा आपको। आपके पास क्या लेना है, यहाँ से आपको सेमी सर्कल बनाना है छोटा सा, सॉरी ये आपके पास सेमी सर्कल बन गया। यहाँ से आपको 90 डिग्री बनाना है, ये 90 डिग्री जो बनेगी बेटा लाइन, उसका आपको कुछ भी काम नहीं है, तो इसको आपको डॉट डॉट करना है और छोटू सी बनाना है। इसका कुछ भी काम नहीं, सिर्फ आपके पास ये सेंटर के लिए इसका काम है। ये सेंटर पर से आपको क्या करना है, 75 ये हो गया 60 और ये यहाँ का 30, ये तो 90 हो गया, फिर इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो रहेगा 75। ये बना आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो रहेगा वो बनेगा आपके पास 75। ये 75 की लाइन को आपने क्या करें, लंबा एक्सटेंड कर दिए। ये हो गया आपके पास 75 और इसको नाम देना है आपको एक्स। पहले ये आपको फाइंड करना है, इसको नाम देना है एक्स। ये फाइंड कर दिए, नाम दे दिया एक्स, इधर से फाइंड कर दिए, नाम दे दिए वाई। फिर आपके पास यहाँ का जो डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है बेटा आपके पास डिस्टेंस, एल ए का 6.5, तो आपको 6.5 डिस्टेंस लेना है चॉप में। देखिए जी आपने 6.5 डिस्टेंस लिया है बेटा चॉप में, फिर 6.5 का डिस्टेंस लेके यहाँ पे आपको आर्क मारना है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है उसको नाम क्या देना है आपको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम ए देना है। क्या देना है, ए। फिर ए का एंगल कितना है बेटा अपने पास, 10 11 10, जिसको आप मेजरमेंट से नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट प्रोटेक्टर से ही निकालना है 11 10। आपके पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बराबर ये पॉइंट पे आने को ना, और ये जो लाइन दिए भी देखो ऐसी नहीं आने को ना, बराबर ये लाइन पे ये लाइन आपकी आने को ना, और आप ऐसा ऐसा यहाँ से एंगल बनेगा, तो यानी यहाँ से आपको काउंट करना है। ये हो गया आपके पास 90, ये हो गया आपके पास 100, ये हो गया आपके पास 110। किधर आया बेटा आपके पास 110, देखो ये यहाँ पे आया 110। फिर यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करने की है, ये लाइन यहाँ से आप उन्हें ड्रॉ करें, इसको नाम दे दिए जेड, और यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है का उसको नाम देना है आपको एन। अगर आपके पास ये एंगल, ये देखो ये कितना है आपके पास 110, अभी एन तो आपको दिया है बेटा, कितना दिया है 85। अगर ये आपका एंगल 85 है तो कंस्ट्रक्शन राइट है। देखो ये पॉइंट रखे अपन ने और इधर से लाइन बराबर, तो इधर से अपन काउंट कर रहे हैं। ये 90 है और ये आपके पास 80 है, बराबर इसके 85 पे आया, यानी आपका कंस्ट्रक्शन, देखो ये 85 पे आई बेटा ये लाइन, यानी आपका कंस्ट्रक्शन राइट है। ये कितना है आपके पास 85 डिग्री। देखो बेटा मैं एक बार वापस आपको रिपीट समझा रही हूँ बेटा, ये इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अभी हुआ तो अभी नहीं तो कल की वीडियो में लिखेंगे अपन। क्या दिया है बेटा आपके पास, पी एल कितना है 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे अपन ने क्या किया बेटा, क्वाड्रिलेटर है, इसकी सम कितनी रहती है 360। आपके पास तीन एंगल की सम दिए भी है, अपन ने एल फाइंड की है। और क्यों एल फाइंड की है बेटा, क्योंकि अगर आपके पास दो इसका डिस्टेंस दिया है लेकिन दो एंगल नहीं है, तो आप इधर जा सकते हैं क्या, नहीं।
मैडम मेजरमेंट तो है, अगर ये मेजरमेंट है बट एंगल ही नहीं तो अपन ये लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे इधर इधर किधर करेंगे पता है क्या? नहीं मैडम, यहाँ तो एंगल दिया है, यहाँ एंगल दिया है लाइन ड्रॉ करें बेटा अपन ने, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट ही नहीं। जैसे ये इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट अपन एन निकालेंगे तो यहाँ पे अपन ने चॉप ही नहीं मार सकते क्योंकि मेजरमेंट नहीं है। मेजरमेंट तो इस साइड में, फिर यह एंगल निकालना अपने को क्या है कंपलसरी, एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा इस पर से, क्योंकि आपके पास लेंथ फाइंड नहीं कर सकते लेकिन मेजरमेंट फाइंड कर सकते क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेटर की सम कितनी है 360। ये प्रॉपर्टी पर से आप फोर्थ वाले एंगल की डिग्री फाइंड कर सकते हैं। आपने यहाँ का मेजरमेंट यानी सॉरी यहाँ का डिग्री फाइंड किया बेटा। फिर अपन ने PL इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया, यहाँ पे अपन ने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया बेटा। कितना किया? 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन किया। फिर यहाँ पे भी 75 यहाँ पे और यहाँ पे चौप रखे, इसके बीच का अपन ने सेंटर निकाले यानी ये 60 और यहाँ से यहाँ तक 15 यानी ये 75 की लाइन अपन ने लंबी यानी ये एक रे बनाए LX, ये एक रे बनाए। फिर आपने 6.5 यहाँ पे आपके पास कितना डिस्टेंस है 6.5 का जो डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस यानी चॉप में डिस्टेंस दिया 6.5 का, उसको आर्क मारे, यहाँ पे आर्क मारिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ए नाम दिए। अब 110 का आपके पास ऐसा कोई मेजरमेंट ऐसा अपन निकल नहीं सकते एंगल को, तो आपने डायरेक्ट प्रोटेक्टर यूज़ करके 110 का एंगल निकाला। इसकी एक रे बनाई बेटा ए जेड, और यहाँ की जो आपके पास पी वाई जो एक रे थी वो रे को और ये पी जेड की रे इंटरसेक्टिंग जो होंगी वो पॉइंट को आपको क्या नाम देना है एन नाम देना है। ये हुआ बेटा आपका कंस्ट्रक्शन। अब इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो मैं कल अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी।